हेलो एवरीवन, मैं हूं सोहेल और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स लैब। तो दोस्तों, सुपर 8 का जो टीम इंडिया का पहला मुकाबला है वह है इंडिया बनाम अफगानिस्तान के बीच में। जी हाँ दोस्तों, बेहद ही बड़ा मुकाबला है क्योंकि सुपर 8 में हर एक ही बड़ा मुकाबला है। एक भी मुकाबला हारना सभी टीमों के लिए मुश्किलें खड़ा कर सकती है। ऐसे में टीम इंडिया चुस्त है, तैनात है, पहले ही मुकाबले के लिए पूरी तरह से तैयार है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में क्या हो सकता है टीम इंडिया कॉम्बिनेशन अफगानिस्तान के खिलाफ जो कि मुकाबला बारबाडोस में है, पूरी डिटेल्स में बात करेंगे इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो हमारा चैनल जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर ले क्योंकि हम क्रिकेट से जुड़ी हर एक छोटी बड़ी अपडेट लाते रहते हैं। तो दोस्तों, बात करें इंडिया और अफगानिस्तान के बीच जो मुकाबला होने वाला है सुपर 8 का मुकाबला बारबाडोस में है। यहाँ दोस्तों पहली बार होगा T20 वर्ल्ड कप 2024 में जब इंडिया जो कि बारबाडोस में खेलती हुई नजर आने वाली है, वेस्ट इंडीज में खेलती हुई आने वाली है। क्योंकि ग्रुप स्टेज का जितना मुकाबला था टीम इंडिया का वह सभी मुकाबला USA में था और मुश्किल पिच था। लेकिन बारबाडोस के पिच के लेकर बात करें तो उतना मुश्किल नहीं है। यहाँ पर 180-190 का स्कोर बन रहा था T20 वर्ल्ड कप 2024 में ही। ऐसे में एक तरह से भारतीय बल्लेबाजों को राहत के सांस मिलने वाली है इस मुकाबले में क्योंकि उस मुश्किल पिच से निकलकर इस पिच पर खेलना भारतीय टीम के लिए एक बेहतरीन खबर है। वहीं बता दें कि स्पिनरों का अब काम बढ़ने वाला है। ऐसे में टीम इंडिया का जो कॉम्बिनेशन है उसमें भी चेंज होने वाले हैं। हमें कुलदीप यादव भी नजर आ सकते हैं, युजेंद्र चहल भी नजर आ सकते हैं क्योंकि जितना मुकाबला वेस्ट इंडीज में हुआ है वहां पर दिखा है कि स्पिनरों का बोल बाला रहा है। USA में बेहद ही ज्यादा तेज गेंदबाजों का मदद था, इस वजह से यह सभी गेंदबाज नहीं खेल पा रहे थे। लेकिन अब फाइनली रूप से हमें फिर से खेलते हुए नजर आने वाले हैं कुलदीप यादव, युजेंद्र चहल। या दोस्तों, ऐसे में हमें लगता है कि मोहम्मद सिराज जो कि बाहर होंगे इस मुकाबले में और कुलदीप यादव को कंफर्म रूम से एंट्री होने वाली है अफगानिस्तान के खिलाफ। वहीं बात करें एक और बड़ा बदलाव हो सकता है, या दोस्तों वह बड़ा बदलाव हो सकता है ओपनिंग कॉम्बिनेशन को लेकर। विराट कोहली रोहित शर्मा की जोड़ी अभी तक परफॉर्मेंस नहीं कर पाई है, लेकिन बता दें मुश्किल पिच था, यह भी हम बात को नकार नहीं सकते। वहां पर रन बनाना बेहद ही मुश्किल था, लेकिन इसके बावजूद भी विराट कोहली लय में नहीं दिखे और शायद कंफर्टेबल भी नहीं थे ओपनर के तौर पर। इस वजह से शायद चेंज हो सकती है टीम इंडिया के ओपनिंग जोड़ी और रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल को ओपनिंग जोड़ी आ सकती है और विराट कोहली नंबर 3 पर खेलने आ सकते हैं। वही बात करें अफगानिस्तान की टीम सेटल थे क्योंकि वेस्ट इंडीज में ही खेल रही है और राशिद खान सबसे बड़ा थ्रेट रहने वाले हैं टीम इंडिया के लिए। इसके अलावा बता दें कि कई अन्य खिलाड़ी जैसे रहमतुल्ला गुरबाज भी कमाल का परफॉर्मेंस किए हैं अभी तक T20 वर्ल्ड कप 2024 में और इसी वजह से सुपर 8 में पहुंची है। सुपर 8 में अफगानिस्तान ऐसे ही नहीं पहुंच गई है, न्यूजीलैंड को पटक दिए इसके बाद हुआ पहुंची है। ऐसे में आसान नहीं रहने वाला है टीम इंडिया के लिए मुकाबला अफगानिस्तान के खिलाफ। ऐसे में हम उम्मीद करें जब बारबाडोस में भिड़ेगी अफगानिस्तान से तो यह मुकाबला जीतकर सुपर 8 का एक बेहतरीन शुरुआत करे। तो दोस्तों, आपका क्या राय है इंडिया और अफगानिस्तान के मुकाबले को लेकर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में।